यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ऐसी ही पंक्ति के बारे में, और बताना है ये पंक्ति पैलिंड्रोमिक है या नहीं। तो चलिए समझते हैं क्या है ये पंक्ति। इसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो मैंने ये सिक्स एलिमेंट की एक लिंक लिस्ट बना ली है, या कंप्लीटेड। यहाँ नल होगा, इनके एड्रेस असाइन कर देते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600। वैल्यू असाइन कर देते हैं कुछ, 1, 2, 3, 3। एंड हमें बताना है ये पैलिंड्रोमिक है या नहीं। पैलिंड्रोमिक मीन्स अगर इसको रिवर्स कर दें तब भी हमें यही सीक्वेंस अगर प्राप्त होता है तो ये पैलिंड्रोमिक है, अन्यथा नहीं। तो चलते हैं इसको रिवर्स करके देखते हैं। करने से क्या होगा, 600 वाले को यहाँ लगा दिया, फिर 500 वाले को यहाँ लगा दिया, फिर 400 वाले को यहाँ लगा दिया, फिर 300 वाले को यहाँ लगा दिया, फिर 200 वाले को यहाँ लगा दिया, एंड 100 वाले को यहाँ लगा दिया, और इसको ऐसे नल लगा दिया। एंड जिसमें जो डेटा था वही रहेगा। तो ये 1 हो गया, ये वाला, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अभी देखो डेटा वाइज हमें सीक्वेंस सेम मिल रहा है क्या? यस, बिल्कुल सेम मिल रहा है। 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1। बट यहाँ पर अगर कोई चेंज करके देखें, यहाँ पर 2 ना हो करके अगर 5 होता तो ये रिवर्स करने पर क्या आ जाता, ये वाला 2 यहाँ आया था तो यहाँ पे 5 आ जाता। अब ये सीक्वेंस सेम है क्या, 1, 5, 3, 3, 2, 1 एंड 1, 2। यार यहाँ तो 5 था, नहीं सीक्वेंस तो सेम नहीं रहा, मीन्स अब ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो क्या समझे हम, अगर हमें पैलिंड्रोमिक चेक करना है तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट बराबर हैं, सेकंड एंड सेकंड लास्ट बराबर हैं, थर्ड एंड थर्ड लास्ट बराबर हैं, तो ये पैलिंड्रोमिक हो जाएगा। तो ठीक है, इसी लॉजिक को के साथ हम अप्रोच करेंगे अपनी इस प्रॉब्लम के सल्यूशन की ओर। तो हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पर एक पॉइंटर ले लें क्या, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ले लिया, ये राइट साइड है, राइट ले लिया। इन दोनों को कंपेयर किया, बराबर हैं क्या? हाँ बराबर हैं। अगर बराबर हैं और ये भी पैलिंड्रोमिक है, इसके अंदर जो आ रही है लिंक्ड लिस्ट, तो ये पूरी लिंक्ड लिस्ट पैलिंड्रोमिक होगी। अगर दोनों में से एक चीज भी गलत हुई, कि या तो ये लिंक्ड लिस्ट पैलिंड्रोमिक नहीं है, या ये दोनों बराबर नहीं है, या दोनों गलत हो गए, तब ये लिंक्ड लिस्ट पैलिंड्रोमिक नहीं रहेगा। फिर इसके अंदर भी ऐसे ही चेक करेंगे कि ये लिंक्ड लिस्ट पैलिंड्रोमिक है एंड ये दोनों बराबर हैं, तो मीन्स ये पूरी बड़ी वाली लिंक्ड लिस्ट भी पैलिंड्रोमिक हो जाएगी। कुछ रिकर्जन वाली फीलिंग आ रही है यार यहाँ पर, तो ठीक है रिकर्जन ही लगाएंगे। बट एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि इधर लेफ्ट लिया था हमने, इधर राइट लिया था, तो अब जब ये कंपेरिजन हो चुकेगा एंड हमें रिकर्जन के लिए यहाँ पर लेफ्ट को लाना पड़ेगा, यहाँ पे राइट को लाना पड़ेगा, तो लेफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि लेफ्ट को हम पॉइंट करा देंगे लेफ्ट डॉट नेक्स्ट। दिक्कत आएगी राइट में, क्योंकि राइट डॉट प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम रिकर्जन का एक बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन है, जिसको हमने पिछली वीडियोज़ में भी यूज किया था रिवर्स लिंक्ड लिस्ट में, कि जब हम यहाँ तक हमें पहुँचना है तो हम रिकर्जन कॉल करते जाएं, यहाँ पर राइट रखें, यहाँ पे राइट रखें, और एक रिकर्जन कॉल लगाएं, यहाँ पे राइट आ जाए, फिर एक रिकर्जन कॉल यहाँ पे राइट आ जाए, फिर एक रिकर्जन कॉल यहाँ पे राइट आ जाए, फिर एक रिकर्जन कॉल यहाँ पे राइट आ जाए, फिर एक रिकर्जन कॉल यहाँ पे राइट आ जाए,
और फिर ये रिकर्जन कॉल यहाँ पे राइट आ जाए नल पे, और जब नल पे आ जाए तो हम इसको रिटर्न कर दें। जब ये रिटर्न होगा तो लेफ्ट तो अभी भी यहाँ पड़ा है, तो एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करें कि रिटर्न करके राइट तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा वापस, बट लेफ्ट यहीं पर है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लें, और अगर इन दोनों को कंपेयर किया और पता चला यार इक्वल है, इक्वल हैं, तो ये वाली अंदर वाली लिंक लिस्ट को भी साथ में कंपेयर करते चलेंगे, तो देख लेंगे कि यार ये पैलेंड्रोमिक है क्या। तो अगर ये भी पैलेंड्रोमिक है तो पूरा पैलेंड्रोमिक हो जाएगा। अब हमें इसका काम हो गया, अब हमें यहाँ पर आना है चेक करने के लिए पैलेंड्रोमिक है क्या। तो लेफ्ट को लेफ्ट डॉट नेक्स्ट कर दें और यहाँ से रिटर्न हो जाए, सिंपल रिटर्न हो जाए, हमें ये वाला राइट दिखने लगेगा। लेफ्ट राइट वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी, थोड़ा सा इंट्यूशन आ गया होगा, थोड़ा सा विजुलाइजेशन हो गया होगा कि कैसे करेंगे। प्रॉपर कब समझ में आएगा, अभी कोड करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को एंड उसके बाद फिर से इसको ड्राई रन करेंगे तो एकदम से विजुलाइज हो जाएगा। चलते हैं कोड स्निपेट पर। ओके, तो ये रहा हमारा स्निपेट और यहाँ पे ये डिफाइन किया एक फंक्शन बना हुआ है डेफ इज पैलेंड्रोमिक। तो अपना लॉजिक इसी के अंदर लिखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम बना लेंगे, वन सेकंड, ओके, एक हम बना लेंगे लेफ्ट, तो एफ उसको, ये पैलेंड्रोमिक है तो उसको पी लेफ्ट नाम दे रहे हैं, तो लिख लेते हैं पी लेफ्ट। लेकिन उसको लिखने से पहले उसको कहीं ना कहीं असाइन करना होगा, तो उसको हम बाहर हीप में ही असाइन करते हैं। डेफ पी लेफ्ट एंड थोड़ा सा ये चीज़ देखेंगे कि ये इनिशियलाइजेशन होता कैसे है पाइथन में। इसके लिए इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो पहले इनिट लिखेंगे एंड इनिट के साइड सेल्फ पास करेंगे। सेल्फ सेल्फ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है पाइथन में। एक सेकंड, यहाँ पे कॉलन लगेगा, अगर कॉलन लगाते हैं तो आइडेंटिफिकेशन वो अपने आप अपडेट कर देता है। तो यहाँ पर सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ मींस कुछ ऐसा होता है कि जहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया है उसके साथ में अगर हमें कुछ अपडेट करना है, लेट्स से कि हमने एक लिंक लिस्ट स्टार्ट कर दी और ये यहाँ पर डिफाइन है, तो अगर हमें इसको कहीं दूसरी जगह पे यूज करना है और तो हमें पता कैसे चलेगा, ऐसे लोकली कहीं यूज करना है कि ये ग्लोबल वाली है, तो उसके लिए अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ एक दिस करके होता था फंक्शन, यहाँ पर उसी की जगह सेल्फ होता है, बस इतना। अगर कंपेरेटिवली पढ़ें तो ये सेल्फ होता है यहाँ पर। ओके, तो चलते हैं इसी के साथ कोड करते हैं। तो ये हो जाएगा सेल्फ डॉट पी लेफ्ट इक्वल टू, अभी तो नन डाल देते हैं। ओके, एंड अब इसको हम कॉल कर लेंगे, वन सेकेंड, ओके, यहां पर हम इसको कॉल करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी लेफ्ट, पी लेफ्ट एटलीस्ट सेल्फ के साथ आएगा, सेल्फ डॉट पी लेफ्ट इक्वल टू हेड डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दें सेल्फ डॉट हेड। ये सेल्फ किसके लिए है, ये उस लिंक लिस्ट के लिए है जो ऊपर डिफाइन की गई है, जिस पे हमें ये चेक करना है इस पैलेंड्रोमिक, तो उसी का हेड आना है तो सेल्फ डॉट हेड डाल दिया। एंड देन अपना रिकर्सिव फंक्शन, ओके ये क्या हुआ, कट गया CTRLZ। एंड अब अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट एंड हेल्पर फंक्शन है तो इज ई हेल्पर हेल्पर एंड इसमें हम पास कर देंगे हेड को ही, सेल्फ डॉट हेड। एंड हमने इसको कॉल को तो कर लिया बट डिफाइन तो किया ही नहीं, तो चलिए डिफाइन भी कर लेते हैं। तो डिफाइन कर लेंगे डेफ एंड नाम है इसका इज पी हेल्पर, ओके, एंड इसके इनसाइड में पास कर देंगे सेल्फ कॉमा आर आई जी
राइट, सबसे पहले देख लेंगे नन तो नहीं है, राइट right? मतलब वही केस जब हम बढ़ते हुए नन तक पहुंचे थे, तो इफ आर आई जी एच टी राइट इक्वल टू नन, तो क्या करें, ट्रू रिटर्न कर दें, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज क्या करेंगे, रिकर्सिवली इसको कॉल कर देंगे, तो ये हो जाएगा, एक कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें जो ये रिटर्न करेगा उसको स्टोर करा लेंगे, आर एस इक्वल टू सेल्फ डॉट इज पी हेल्पर, एंड उसको कॉल कर देंगे राइट के नेक्स्ट के लिए, राइट डॉट नेक्स्ट, एंड देन इसको चेक करेंगे यार ये जो रिकर्सिवली जिस पे कॉल किया था, मतलब वो छोटी वाली अंदर की लिंक लिस्ट, अगर क्या वो ट्रू है फॉल्स है, अगर वो फॉल्स हो गई तो हमें साइट्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फॉल्स ही होगा, अगर ट्रू ही तब चेक करेंगे, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, इफ आर रेस इक्वल टू फॉल्स, तो ये हो जाएगा रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज else if को हम लिखते हैं यहाँ पर if कंबाइन करके, चेक करेंगे कि लेफ्ट का डेटा और राइट का डेटा इक्वल है क्या, तो इसको लिखते हैं सेल्फ डॉट एफ लेफ्ट, सॉरी नॉट एफ लेफ्ट, इट इज पी लेफ्ट, पी लेफ्ट डॉट डेटा इक्वल टू आर आई जी एच टी राइट डॉट डेटा, अगर ऐसा है तो ट्रू होगा, बट उससे पहले अगर नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा, तो सबसे पहले नहीं के लिए हम रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स, इल्स क्या हो जाएगा, लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन फॉल्स वाली तो मैंने हैंडल कर ही ली, अब ट्रू बचा, तो अगर ट्रू होगा तो उसको रिटर्न कर देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट को अपडेट करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाई थी वो चीज़, क्योंकि लास्ट में एल्स में ही दोनों कमांड लिख लेंगे, तो लेफ्ट को अपडेट करते हैं, हो जाएगा सेल्फ डॉट पी लेफ्ट एंड इक्वल टू सेल्फ डॉट पी लेफ्ट डॉट नेक्स्ट एंड रिटर्न कर दे, ओके ये हमारा कोड हो गया, एंड यहाँ पे मैंने इसमें रिटर्न नहीं करा है, तो यहाँ पर भी रिटर्न कराना होगा, तो कुछ भी आंसर ले लेते हैं, मैंने ले लिया रेस आर ई एस इक्वल टू, एंड यहाँ पर भी इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न आर ई एस, ओके रन करके देखते हैं इसको क्या होता है, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, सही है, करेक्ट है सारे टेस्ट केसेस के लिए, चलिए अब इसका ड्राई रन कर लेते हैं, तो इसको करते हैं यहाँ से कट आउट, ये रहा हमारा कोड, और ले चलते हैं इसको वाइट बोर्ड पर, बहुत मैसी हो रखा है यहाँ, तो इसको साफ करते हैं, सफाई अभियान चला दें इस पर, एंड इसको रिलोकेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ गंदा सा हो रखा है, ओके तो करना क्या है, एक लिंक लिस्ट ले लिया हमने, 4, 5, 6 एंड नल, ओके 1, 2, 3, 3, 2, 1 करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट यहाँ पे असाइन कर देंगे, लेफ्ट असाइन कर दिया, इसमें भी क्या पास किया है हमने, हेड को पास किया है, ओके
तो लेफ्ट को पास किया है एंड सॉरी राइट को यहाँ पे पास किया है, मतलब हेड पास किया है बट वो एज ए राइट पास किया है। तो हमने इस फंक्शन के लिए ये कॉल लगा दी राइट जाएगा, और अगर इनके एड्रेस दे दें 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो ये राइट किसके लिए है, लोकेशन 100 के लिए है। फिर इसके अंदर पहुँचे, देखा राइट नन है क्या, नहीं यार नन तो नहीं है, 100 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे रिकर्सिव कॉल करेंगे, तो रिकर्सिव कॉल वो नेक्स्ट पे कॉल कर देगा, नेक्स्ट है ये, फिर वो भी नेक्स्ट पे कॉल कर देगा। फिर पहुँचेंगे 300 पे, वो भी अपने नेक्स्ट को कॉल कर देगा, पहुँचेंगे 400 पे, फिर वो भी अपने नेक्स्ट को कॉल कर देगा, पहुँचेंगे 500 पे, एंड फिर वो भी अगेन अपने नेक्स्ट को कॉल कर देगा, पहुँचेंगे 600 पे, और फिर फाइनली पहुँच जाएंगे नल पे। जब नल पे पहुँचेंगे तो उस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और देखेंगे नल है यार राइट, तो ट्रू रिटर्न कर दो, तो रिटर्न होकर यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं लेफ्ट तो हमारा वहीं पड़ा हुआ है बट हमारा राइट यहाँ पर आ गया। दोनों को कंपेयर करते हैं, भाई तुम इक्वल हो क्या, तो यार ये इक्वल थे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सीधा यहाँ पे कंडीशन पहुँचेगी। एंड यहाँ पर देखेंगे ये दोनों बार यहाँ पे पहुँच गई, मतलब ट्रू ही है, तो ये दोनों का तो ट्रू रिटर्न हो गया। एंड अब क्या करेंगे, अंदर वाले को चेक करेंगे तो लेफ्ट यहाँ पे पहुँचा देंगे। तो इसने जब ट्रू रिटर्न किया, इसने ट्रू रिटर्न किया तो रिटर्न करते ही हमारा राइट ये वाला चमकने लगा, तो मतलब ये राइट आ नहीं रहा है, वो दूसरा राइट चमकने लगा है स्टैक के टॉप पर, तो ये वाला राइट चमकने लगा टॉप पे। अब हमारा राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है, दोनों को कंपेयर करेंगे इस कंडीशन से इस वाली कंडीशन पे, क्योंकि ये तो फॉल्स ही हो जाएगी, क्योंकि आज फॉल्स तो आया नहीं था, ट्रू आया था, तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगी कंडीशन। और ये भी चेक करेंगे डज नॉट इक्वल टू है क्या, नहीं यार इक्वल है, फिर से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, दोनों को चेक कर किया ट्रू है, एंड ट्रू रिटर्न कर देगा। अब ये वाला राइट चमकने लगेगा क्योंकि ये तो रिटर्न हो चुके हैं, ये राइट चमकने लगेगा। और जब ये कंडीशन चली थी तो हमने लेफ्ट को अपडेट भी किया था, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये रिटर्न कर देगा। अब ये जब रिटर्न करेगा तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, 300 पे, ठीक है, ये 300 पे पहुँचेंगे। अब फिर से अपडेट होगा, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और राइट यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये अननेसेसरी स्टेप्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक कंफर्म हो गया है कि यहाँ पैलेंड्रोमिक है, बट फिर भी कोड के अकॉर्डिंग ये पूरा ऐसे भी चेक करेगा, यहाँ यहाँ चेक करेगा, फिर राइट यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, ये दोनों चेक होंगे, फिर राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, यहाँ ये दोनों चेक करेंगे अगेन, तो कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये लिंक लिस्ट जो है वो पैलेंड्रोमिक है। लेकिन जो हमने फालतू के फंक्शन किए, ये कुछ टाइम भी लिए होंगे, इस टाइम को कम करने के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि साथ में काउंटर रख सकते हैं और काउंट करते हुए चलेंगे कि कब हम जो है पहुंच गए मिड पर। मिड पर पहुंचेंगे मीन्स लेफ्ट इधर से आया, राइट से इधर से आया, कंपैरिजन हो चुका है पूरी लिंक लिस्ट, ठीक है, अच्छी अप्रोच है। आई थिंक आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा इसको, एंड अगले क्वेश्चंस में वो नेसेसरी बन जाती है, क्योंकि अगर उसको नहीं किया तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। कैसे, अगर जैसे हमें ये करना होता कि साथ में स्वैप भी करना होता और एंड ये एलिमेंट भी चेंज होते, तो क्या हो जाता कि एक बार तो स्वैप हो जाते, लेकिन जब फिर से राइट इधर आता लेफ्ट इधर आता तो उनको चेक करते और वो फिर से स्वैप हो जाते, तो हमें ओरिजिनल ही मिल जाती। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन आएंगी कि अगर हमने वो मिड वाली कंडीशन नहीं चेक की, काउंटर नहीं लगाया, तो वो उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक आप लोग इस ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।